प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हिंदी कक्षा एक में स्वागत है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, कल हम कर रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17, जाखू मंदिर का अभ्यास। तो बच्चों, कल हमने बुक का अभ्यास खत्म कर लिया था और आखिरी अभ्यास में हम कर रहे थे कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में हमने पढ़ा था और वाद्य यंत्रों के चित्रों को हमने उनके नाम के साथ मिलाया था। तो बच्चों, इस तरह से हमने बुक का अभ्यास पूरा कर लिया था और आज हम करेंगे हमारे पाठ 17 का प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर को भी आप अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न उत्तर, अभी तक आप कठिन शब्द लिख चुके हैं और कठिन शब्द के बाद आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न एक में हम लिखेंगे, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। प्रश्न है, अंजलि अपे बिंदी ज लपे छोटी की मात्रा अंजलि और मपे बिंदी मंथन अंजलि और मंथन माता पिता के कपे ए की मात्रा के सपे आ की मात्रा साथ क हाँ कहाँ ग ए थपे ए की मात्रा थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। तो बच्चों, यह है हमारा पहला प्रश्न। अब उत्तर में आप लिखेंगे उत्तर एक में आप लिखेंगे, पूरा प्रश्न से ही हम लिखेंगे अंजलि, या तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, अंजलि और मंथन शिमला गए थे। हम इतना भी पूरा माता पिता नहीं लिखना जरूरी नहीं है और चाहे तो लिख दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे अंजलि और पूरा प्रश्न से लिखेंगे और मंथन मौपे बिंदी मंथन मंथन माता मौपे आ की मात्रा माता पिता के साथ सपे आ की मात्रा साथ कहाँ गए थे। शिमला शपे छोटी की मात्रा म ला शिमला गए थे। हमें सिर्फ एक शब्द उत्तर में लिखना है शिमला, कहाँ की जगह हम लिखेंगे शिमला। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे, कहाँ की जगह हम शिमला लिखेंगे। तो अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। मेरे साथ एक बार फिर पढ़िए, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। पूरा प्रश्न ही मैंने लिखा है, सिर्फ कौन की जगह मैंने शिमला लिखा है और उत्तर हो गया आपका। तो ये है हमारा पहला प्रश्न बच्चों। उसके बाद, वह कौन सा मंदिर देखने गए थे। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए थे। दूसरे उत्तर में हम लिखेंगे प्रश्न दो में लिखेंगे, अंजलि और मंथन मौपे बिंदी मंथन मंथन कौन कौपे औ की मात्रा कौन सा मंदिर मौपे बिंदी मंदिर मंदिर दपे की मात्रा दे ख नपे की मात्रा ने गए कौन सा मंदिर देखने गए। तो बच्चों, कौन सा मंदिर देखने गए थे, मैं पूरा प्रश्न से लिखना है, सिर्फ कौन की जगह हम मंदिर का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। उत्तर में हम लिखेंगे अंजलि
अंजलि, अन ज ल पे छोटी की मात्रा ली, और अ र और म पे बिंदी मन थ न, अंजलि और मंथन, जाखू ज पे आ की मात्रा, ख पे बड़े की मात्रा, जाखू मंदिर, देखने द पे ए की मात्रा, यहाँ नहीं लिखेंगे, देखने द पे ए की मात्रा, दे ख ने देखने, ग ए अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए, जाखू मंदिर देखने गए। तो चलिए आप दोनों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पहला है अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए थे, अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए थे। तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्न कर लिया। आप दोनों के उत्तर अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 3। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। प्रश्न 3 में हमारे पास है, मंदिर में क्या हो रही थी, मंदिर में क्या हो रही थी, मंदिर में क्या हो रही थी बच्चों, मंदिर में प्रश्न 3 है, मंदिर मौपे बिंदी मन दे र, मंदिर मौपे एक ही मात्रा में, क पे क्या हो, ह पे ओ की मात्रा हो, र थी, थ पे बड़ी की मात्रा थी, मंदिर में क्या हो रही थी। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3, म पे बिंदी द पे छोटी की मात्रा दिर में आरती, आ र त पे बड़ी की मात्रा ती, ह पे ओ की मात्रा हो, र ह पे बड़ी की मात्रा ई, थ पे बड़ी की मात्रा थी। मंदिर में क्या हो रही थी, मंदिर में क्या की जगह हम आरती लिखेंगे, मंदिर में आरती हो रही थी, मंदिर में क्या हो रही थी, मंदिर में आरती हो रही थी। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में हम लिखेंगे, प्रश्न 4 में हम लिखेंगे पंडित जी ने, पंडित जी ज पे बड़ी की मात्रा जी, न पे ए की मात्रा ने, मंथन और अंजलि, अंजलि अंजलि क पे ओ की मात्रा को, किसका का टीका, टी का लगाया, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका टीका लगाया, बच्चों किसका टीका लगाया था, चंदन का टीका लगाया था। तो हम लिखेंगे पंडित जी ने, प्रश्न 4 में हम लिखेंगे पंडित, पापे बिंदी ड पे छोटी की मात्रा त, पंडित ज पे बड़ी की मात्रा जी, ने मंथन और अंजलि को, या उनको लिख सकते हैं दोनों के लिए, और अंजलि 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 कपेओ की मात्रा को, अंजलि को किसका की जगह हम लिखेंगे चंदन, च पे बिंदी चन द न चंदन, क के पे आ की मात्रा का, टी का ल गा या चंदन का टीका लगाया, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। हमारा चौथा प्रश्न है, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका टीका लगाया,
तो हम लिखेंगे पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। तो ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा प्रश्न। आप इसे भी अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। चलिए हम ऊपर वाला प्रश्न मिटाते हैं। उसके बाद बच्चों पंडित जी ने मंथन और अंजलि को क्या दिया, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को क्या दिया। अब हम लिखेंगे प्रश्न पांच। प्रश्न पांच, पंडित जी ने कॉपी बिंदी, प्रश्न पांच, पंडित ज पे बड़ी की मात्रा जी ने मंथन और अंजलि को, कॉपी ओ की मात्रा को, क्या, द पे छोटी की मात्रा दी या, क्या दिया, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को क्या दिया। तो हम लिखेंगे पंडित जी ने मंथन और अंजलि को पंडित जी ने दोनों को, द पे ओ की मात्रा दोनों, दोनों का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, दोनों का प्रयोग मंथन और अंजलि के लिए किया है, दोनों को थाली में से, म पे ए की मात्रा में से एक 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 केला, कॉपी एक ही मात्रा केला और संतरा, सपे बिंदी, एक एक केला और संतरा दिया, एक एक केला और संतरा दिया। ये पंडित जी ने मंथन और अंजलि को क्या दिया, पंडित जी ने मंथन अंजलि यानी दोनों को थाली में से एक एक केला और सपे बिंदी संतरा, द पे छोटी की मात्रा दी या, पंडित जी ने मंथन और अंजलि को एक एक केला और संतरा दिया, पंडित जी ने दोनों को थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। बच्चों ये भी कर लिया होगा आपने। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न छ में है मंथन की ओर कौन लपका, मंथन की ओर कौन, कपे ओ की मात्रा ओर कौ न ल प का, मंथन की ओर कौन लपका। तो बच्चों मंथन की ओर कौन लपका था, मंथन की ओर बंदर लपका। प्रश्न उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर में लिखेंगे मंथन की ओर एक, या फिर हम लिखेंगे एक बंदर, बॉपी बिंदी बंदर, बंदर मंथन की, कॉपी बड़ी की मात्रा की ओ र और ल प क पे आ की मात्रा का, एक बंदर मंथन की ओर लपका। मंथन की ओर कौन लपका, एक बंदर मंथन की ओर लपका। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में 6 प्रश्न उत्तर किए हैं। आप इन सभी को अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो भी किया आप उसे
पहले तो पढ़ करके सुन करके समझेंगे, उसके बाद उसे अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो आप देखिएगा और फिर जो भी आपको परेशानी है आप अगले वीडियो में मेरे से पूछ सकते हैं, और जो भी आज हमने किया आप उसे अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।